This video is powered by iTransfer. Check description for more information. दोस्तों आप में से बहुत सारे व्यूअर्स ने अक्सर मुझसे पूछा है कि वीडियो कंप्रेशन कैसे काम करता है, तो आज आप ये वीडियो देखते रहिए और मैं आपसे इसी के बारे में बात करने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आप सभी के मन में अक्सर ये सवाल आया होगा कि अगर आप अपने मोबाइल फोन से या फिर कैमरा से किसी वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं, मान लीजिए फुल HD में, तो ऐसे में अगर आपने 10 मिनट या 15 मिनट या आधे घंटे की रिकॉर्डिंग की है तो उसका फाइल का साइज है वो हो सकता है 1GB, 2GB या 3GB तक चला जाए। लेकिन सेम केस अगर आपके पास में कोई मूवी है, मान लीजिए फुल HD अगर आपने किसी डाउनलोड की है और अगर आप उसकी प्रॉपर्टीज को चेक करें तो वहां पे आपको हो सकता है कि 1GB में ही 3 घंटे या 2 घंटे की प्रॉपर एक पूरी बड़ी मूवी मिल जाए और जो क्वालिटी है वो भी काफी अच्छी है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि डेटा का जो साइज है वो तो सेम है लेकिन वहां पे आपको अंदर जो मिलता है कंटेंट वो एक में है सिर्फ 10 मिनट का और आपको दूसरे में मिलता है प्रॉपर 2 घंटे की कंप्लीट मूवी। दोस्तों यहां पे जो सारा खेल है वो है वीडियो कंप्रेशन का। आप एक और एग्जांपल ले सकते हैं कि यहां पे अगर आप मेरी अभी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, मान लीजिए फुल HD में, तो ऐसे में अगर ये 6-7 मिनट की वीडियो को आप देखते हैं तो आपको कभी भी 2GB या 3GB डेटा नहीं कंज्यूम करना पड़ेगा। यहां पे जो आपका डेटा लगेगा वो हो सकता है 50MB, 60MB, 100MB, आपका बहुत ही कम डेटा में काम चल जाएगा, जबकि ये भी एक फुल HD वीडियो है, क्योंकि दोस्तों यहां पे हम काम में लेते हैं कंप्रेशन का। अब देखिए अगर मैं आपसे बात करता हूं वीडियो कंप्रेशन की तो यहां पे हम मेनली 2 अलग-अलग टेक्निक्स को यूज करते हैं, एक है इंट्रा फ्रेम कंप्रेशन और दूसरा है इंटर फ्रेम कंप्रेशन। अगर मैं आपसे बात करता हूं इंट्रा फ्रेम कंप्रेशन की तो देखिए दोस्तों यहां पे क्या होता है, फॉर एग्जांपल अभी जो वीडियो है ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं फुल HD में 30 फ्रेम्स पर सेकंड पे, यानी कि इस वीडियो में फुल HD साइज के आपको 30 फ्रेम मिलेंगे 1 सेकंड में। फुल HD का मतलब यह है कि 1920 पिक्सल्स की विड्थ है, 1080 पिक्सल्स की हाइट है और ऐसे ऐसे 30 अलग अलग फ्रेम्स हैं जिनसे जुड़ के आपको मिल जाता है कंप्लीट 1 सेकंड का वीडियो फुटेज। अब अगर आप देखो कि वो जो 30 इंडिविजुअल फ्रेम्स हैं वो एक तरीके से एक इमेज है, अब उस इमेज को अगर आप कंप्रेस करो, अगर आपके पास में स्टैंडर्ड एल्गोरिथम जैसे कि मान लीजिए JPEG वगैरह हम यूज करते हैं, तो आप अगर JPEG से उस एक फ्रेम को कंप्रेस करो, फिर दूसरे को करो, फिर तीसरे को करो, करते करते आप पूरी वीडियो में जितने भी फ्रेम्स हैं सबको कंप्रेस कर दो और बाद में उस वीडियो को कंबाइन करके प्ले कर दो तो एक तरीके से आपकी वीडियो कंप्रेस हो जाएगी। लेकिन यहां पे दोस्तों वीडियो प्रोसेसिंग के मामले में ये जो कंप्रेशन टेक्निक है ये इतना ज्यादा आपको डेटा की सेविंग नहीं दे पाती है। दूसरी जो टेक्निक दोस्तों वो है इंटर फ्रेम कंप्रेशन और ये बहुत ही कॉमनली यूज टेक्निक है और आपको अक्सर यही देखने को मिलेगा कि वीडियो कंप्रेशन में आप इसी का यूज करेंगे। अब यहां पे आप फॉर एग्जांपल अभी अगर इस वीडियो को नोटिस करें तो अगर मैं आपसे एग्जांपल की बात करता हूं कि मान लीजिए कि ये फुल HD वीडियो है तो यहां पे फुल HD का मतलब ये कि 1920 और 1080 आपको इतने पिक्सल्स मिलेंगे। आप एक आइडिया लगाएं तो यहां पे करीब-करीब 2 मिलियन पिक्सल्स हैं, लेकिन वो जो 2 मिलियन पिक्सल्स हैं दोस्तों वहां पे इंडिविजुअल पिक्सल्स में आपको मिलेंगे 3 सब पिक्सल्स, रेड, ग्रीन और ब्लू। अब हर एक इंडिविजुअल कलर के लिए आपको वहां पे कुछ बिट्स लगानी पड़ेंगी कि हां ठीक है ये जो पिक्सल इस पॉइंट पे है यहां पे रेड की वैल्यू क्या है, ग्रीन की वैल्यू क्या है, ब्लू की वैल्यू क्या है, तीनों को जब कंबाइन करोगे तो आपको आउटपुट में ऐसा रंग यहां पे इस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे देखने को मिल जाएगा। तो इसीलिए जो आपका डेटा का साइज है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप देखो इस वीडियो में तो मैं खड़ा हूं, मैं अभी बात कर रहा हूं आपसे, मैं हिल डुल भी रहा हूं थोड़ा बहुत, लेकिन जो पूरा फ्रेम है पीछे का वो ऑलमोस्ट सेम है, वो तो हिल ही नहीं रहा। यहां पे आपको जो लोगो दिखा हुआ आ रहा है ये पूरी वीडियो में लोगो सेम है, ये यहां से अपनी जगह से हिलता भी नहीं है। तो ऐसे में कितना अच्छा हो कि हम जो कॉमन पार्ट्स हैं उनको पूरी वीडियो के थ्रू कॉपी पेस्ट कर दें, यानी कि हमने पहले फ्रेम में देखा कि ये सब कुछ कॉमन है, हमने ओके पता लगा लिया कि ठीक है इसकी वैल्यूज क्या है, दूसरे तीसरे आगे पूरी वीडियो में एंड तक हमको यहां पे कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। चेंज सिर्फ तभी करना है जब हो सकता है कभी मैं अपना हाथ हिलाऊं इसके सामने लेके आ जाऊं, तो ऐसे में आपको यहां पे मेरा हाथ नजर आना चाहिए, न कि या फिर ये पीछे से लोगो। तो इसलिए हम क्या करते हैं दोस्तों कि यहां पे कुछ-कुछ फ्रेम्स के बाद कुछ प्रेडिक्शंस भी करते हैं कि ठीक है अगला फ्रेम क्या हो सकता है, क्या चेंजेस हो सकते हैं, उसके अलावा जो स्टैटिक चीजें हैं वो क्या है उस फ्रेम में, उसके बाद में हमने एक थोड़े से चेंज के बाद में नया फ्रेम ले लिया, उसको हमने सैंपल किया, करते करते अलग अलग फ्रेम्स को लेते रहते हैं, बीच बीच में कुछ फ्रेम्स को स्किप कर देते हैं और यहां पे आपको देखने को मिलता है इंटर फ्रेम कंप्रेशन। लेकिन यहां पे एक बहुत ही कॉमन चीज है कि अगर आप देखें कि जो एक फ्रेम है वो आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन कभी भी प्रोवाइड नहीं करेगा, अगर आप उससे पिछला या अगला फ्रेम ना देखें तो, क्योंकि उस फ्रेम में वो सारा डेटा है ही नहीं। तो इसीलिए अगर हम बात करते हैं एडिटिंग वगैरह की या डिकोडिंग वगैरह की तो इसीलिए आपको वेट करना पड़ता है पिछले फ्रेम का और अगले फ्रेम को देखने का एक तरीके से, उसके बाद
में आप जज कर सकते हैं कि हाँ इसका फाइनल आउटपुट क्या होगा, आपको किस तरीके से इस फोटो को कहाँ कहाँ पे क्या क्या पिक्सल्स के अरेंजमेंट साथ में लगाना है। इसके अलावा कभी कभी ऐसा भी होता है, अगर आपने देखा है वीडियोज में अक्सर ऐसे इफेक्ट्स होते हैं कि आपको जब सीन चेंज होता है कई बार कि एक सीन से दूसरे सीन में आ रहे हैं, तो वहां पर आपको कभी कभी अगर किसी वीडियो में एरर है तो वहां पर आपको टेढ़े मेढ़े ऐसे ब्लॉक्स से नजर आ जाएंगे। तो वो जो ब्लॉक्स हैं वो भी इसलिए नजर आते हैं कि वो जो ट्रांजिशन है वो ठीक से नहीं हो पाया, वो ये जज नहीं कर पाए कि जो सब्जेक्ट है वो चेंज हो चुका है और इसीलिए आपको जो अरेंजमेंट है वो भी चेंज करना है। लेकिन कुल मिलाकर कंसेप्ट यही है, इंट्रा फ्रेम में आपको फ्रेम बाय फ्रेम कंप्रेशन करना होता है और इंटर फ्रेम में आप एक अपना लेते हैं स्टैंडर्ड सोर्स और आप उसको बाद में स्ट्रेच कर देते हैं डिपेंडिंग कि वहां पे वीडियोस में कितने जगह पे कहां कहां पे क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप ये वीडियो पसंद करेंगे और आप जान गए होंगे वीडियो कंप्रेशन के बारे में। आपको जो भी दोस्तों वीडियोस दिखती हैं इस तरह की कि 1 GB की मूवी को कंप्रेस करके 20 MB की कर लो या 2 MB की कर लो, तो वो कंप्लीटली गलत है, ऐसा नहीं कर सकते हैं प्रैक्टिकली। वो आपको दिखा देगा सॉफ्टवेयर, लेकिन अगर आप उस वीडियो को प्ले करके देखेंगे तो वो प्लेबल रहेगा ही नहीं। हाँ, आपके पास में अगर एक स्टैटिक वीडियो है, मान लीजिए एक स्क्रीनशॉट टाइप का कुछ है और जो ऑलमोस्ट पूरी वीडियो में सेम रहता है, आपका सिर्फ जो ऑडियो है वो चेंज हो रहा है, तो ऐसे केस में आप उसको बड़े आराम से कंप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप एक फ्रेम को पूरी वीडियो में कॉपी कर देंगे तो भी आपकी वीडियो की जो क्वालिटी है वो कम नहीं होगी, क्योंकि वहां पर कुछ भी ज्यादा चेंजेस नहीं है, आपको सिर्फ ऑडियो रखना है। वीडियो को छोटा कर दिया तो आपकी अगर वो वीडियो 1 GB की है तो आप छोटा करके बना लेंगे, मान लीजिए 15 या 20 MB की। तो फिलहाल के दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, देखने लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई सवाल सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा, और अगर आपने अभी तक टेक्नोलॉजी को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक करना होता है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसे ही वीडियोस लेके आता रहता हूं। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, देखने लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।